हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 9 जुलाई के हैं। जल्दी हमारे और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए नए वीजा खोले हैं? तो इसमें आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने नए वीजा लॉन्च किए हैं जो देश के शोध क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीयों सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेगा सौर ऊर्जा परियोजना ने दिल्ली मेट्रो की सेवा संचालन शुरू कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश की 750 मेगावाट रीवा सौर ऊर्जा परियोजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने ताशकंद में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इसमें आंसर आएगा जिली दलाबेरा ने। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए 48 किलोग्राम वर्ग में 167 किलोग्राम उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें आंसर आएगा राजस्थान सरकार ने, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान माता पिता द्वारा जानी जाती है न कि किसी जाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध में किस देश के बुद्धिजीवियों ने नए साहित्य पुरस्कार का गठन किया है? तो इसमें आंसर आएगा स्वीडन के। स्वीडिश अकेडमी के विरोध में स्वीडन के करीब 100 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों ने पुरस्कार देने वाली एक नई संस्था की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टीबी के उत्तक हानिकारक प्रभाव को कम करने के तरीके खोजे हैं? तो इसमें आंसर आएगा जीनोमिक और इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के भावनात्मक कल्याण के लिए एक समिति बनाई है? चिकित्सकों के बीच आत्महत्या और अवसाद की बढ़ती दर को ध्यान में रखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश में छात्रों और डॉक्टरों के भावनात्मक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई है और समिति IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि वानखेड़कर के नेतृत्व में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा दीपा कर्माकर ने। और यह टूर्नामेंट तुर्की के मर्सिन शहर में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक निवेश पर कौन सा नियामक प्राधिकरण ने पैनल को संशोधित किया है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चिंचोटी जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा चिंचोटी जलप्रपात महाराष्ट्र में है। तेज बारिश की वजह से चिंचोटी झरने पर पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और जिसकी वजह से वहां पिकनिक मनाने आए लोग फंस गए और लगभग 100 लोगों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अग्निशमक दल और स्थानीय पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा केरल के मुख्यमंत्री को निपा वायरस पर शीघ्र नियंत्रण पाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। निपा वायरस पर हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है। निपा वायरस के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। और इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य कनाडा, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देश में विद्यमान
सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से प्रेरणा लेते हुए भारत में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जुलाई से कौन से देश के राष्ट्रपति भारतीय दौरे पर हैं? तो इसमें आंसर आएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएम जेकाब का निधन हो गया, यह किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा एमएम जेकाब मेघालय के पूर्व राज्यपाल थे। क्वेश्चन है, 9 से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा थर्माकोल से बनी चीजों के उपयोग पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान 2100 करोड़ रुपए की कुल कितनी नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा कुल 13 योजनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण पर विशेषज्ञों के तीसरे अंतर सरकारी की UNCATAD बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा दुबई में, और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा के कस्तूरी रंगन समिति शिक्षा नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एल्यूमिनियम ज्ञान डोमेन में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसमें आंसर आएगा डॉक्टर तपन कुमार चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका, और दूसरे स्थान पर रूस, और तीसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सैलानियों को फोकस करते हुए देश में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन मार्ट 16 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो इसमें आंसर आएगा इजराइल ने, और इसके अनुसार आम नागरिक और एनजीओ प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री आरंभ की है? तो इसमें आंसर आएगा सैमसंग ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ की है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय दौरे पर आए हुए दक्षिण कोरिया के पीएम मून जेई इन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक्सिट सेक्रेटरी का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें आंसर आएगा डेविड डेविस। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, यह निर्णय किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत आता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रोस्टर का मालिक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस फसल को उगाकर चावल की खेती में पानी की खपत को 33% तक कम किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है मूंगफली और सरसों, बी ऑप्शन चना और बाजरा, सी ऑप्शन मक्का और गवार, और डी ऑप्शन मक्का और बाजरा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें
फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।